हाथी के पूर्वज डायनोथेरियम और घोड़े के पूर्वज यूरोहिप्पस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े में पाए गए। लेमुर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाली आज के दिनों के पक्षी इन्हीं दिनों जन्मे थे। डायनोथेरियम जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी इन जगहों में रहे थे, जहां मांसाहारी के स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एक एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता पृथ्वी के लंबे इतिहास में जाके तो ऐसे कई मौके हैं जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोनेदार गैंडे, रोनेदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों ने अपने शरीर के रोगों की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठा लिया था। पुष्पगुंबद आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मेडिलो भी उन दिनों मौजूद थे। सिल्वर टूथ वाले बाघ और विशाल सिंह वाले हीरो जंगल में शाम से विचरण करते थे। संभवतः सामने के डांस से मांस को जीव में फाड़ने में हुई अड़चन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। वही दानव आकार के हीरो इन सब जानवरों से बचने के लिए तेजी से नहीं भाग सकते थे, फलस्वरूप वे भी ओझल होते गए। इस समय से ही आधुनिक मानव का क्रमिक विकास शुरू हुआ और विशालकाय स्तनपायी प्राणी धीरे धीरे विलुप्त होने लगी। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहां जीवन विकसित होकर लाखों अन्य रूपों में परिवर्तित हो गए। दूसरे ग्रह पर हिंदू रिलीजन पैराग्राम में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसकी और अपने अनुभवों को याद कराने के लिए दोबारा आप सब जरूर आए साइंस सिटी। Thank you.